दिल्ली में आज बीजेपी मंथन कर रही है, फोकस 2019 पर है। अमित शाह ने कहा है लोकसभा चुनाव तक सिर्फ भारत माता को ही याद रखें। मिशन 2019 के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हुई है, कल पीएम मोदी के भाषण के साथ इसका समापन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2019 की रणनीति, SC/ST कानून पर हो रहे विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी इस बात पर मंथन करेगी कि कैसे परंपरागत वोटर्स के साथ OBC भी जुड़ा रहे और SC/ST भी दूर ना हो। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में ये तय हुआ कि एक साल तक संगठन के चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। शाह की मौजूदा टीम ही मिशन 2019 को अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। पार्टी की रणनीति 30 करोड़ वोटर्स तक सीधे पहुंचने की है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश और जिला स्तर पर कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे। पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने कहा SC/ST कानून को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, हमें इस भ्रम का डटकर मुकाबला करना होगा। हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सरकार हमारी ही बनेगी। सरकार की उपलब्धियां ऐसी हैं कि 70 साल में किसी भी सरकार की नहीं रही। संगठन का काम सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का है। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा हमें तेलंगाना पर भी ध्यान देना होगा।